नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अम्ल क्षारक एवं लवण का भाग दो पढ़ेंगे, जो कक्षा 10 का अध्याय दो है। दोस्तों, आज हम दोस्तों इस वीडियो में जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक और पीएच और कुछ विलयनों के पीएच मान, कुछ प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाने वाले अम्ल के नाम और अपने दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है दोस्तों, ये जानेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का। कक्षा 10 के विद्यार्थी या चाहे कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक, अर्थात क्या होता है जब अपन जल में अम्ल या क्षार डालते हैं, जल में अम्ल या क्षार डालते हैं। तो दोस्तों, जब अपन जल में अम्ल डालते हैं तो दोस्तों अम्ल में होता है हाइड्रोजन आयन, सभी को पता है, पहले ही बता दिया है। अम्ल में होता है अपना हाइड्रोजन आयन। तो दोस्तों, जब अपन अम्ल को जल में डालते हैं तो अम्ल से हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात अम्ल से हाइड्रोजन आयन पृथक हो जाता है, और ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, इसलिए ये जल के अणु के साथ संयुक्त होकर एक आयन बनाता है, उसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, H3O+। इसको अपन हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं दोस्तों। अर्थात जब जो जल है इसमें अपन अम्ल डालेंगे तो अम्ल से हाइड्रोजन आयन पृथक हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयन पृथक होकर ये स्वतंत्र रूप से ये नहीं रह सकता, तो ये जल के अणु के साथ संयुक्त होकर रहता है और एक आयन बनाता है, जिसे अपन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं दोस्तों। देखिए एग्जांपल, H2O अपना जल हो गया, HCl अपना अम्ल हो गया। HCl से हाइड्रोजन आयन पृथक होगा लेकिन यह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, तो ये जल के अणु के साथ संयुक्त हो जाएगा और एक आयन बनाएगा H3O+। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और क्लोरीन अपना अलग पृथक हो जाएगा Cl-। तो अपने पास में एक आयन बना यहाँ H3O+। ये कैसे बना हुआ है? एक तो इसमें हाइड्रोजन आयन है H+, एक इसमें क्या जल, दोनों संयुक्त तो होकर क्या बना रहे हैं H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो इसे अपन हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। तो अभी अपन ने क्या देखा कि जब अपन जल में अम्ल डालते हैं, जल में अम्ल डालते हैं तो अम्ल H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। देखो दोस्तों, यही लिखा हुआ है नोट्स में। अतः अम्ल जल में H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन अथवा H+ आयन प्रदान करता है दोस्तों। तो आपसे पूछें कि क्या होता है जब जल में अम्ल डाला जाता है, तो जब जल में अम्ल डाला जाता है तो H+ आयन या H3O+ आयन अम्ल अपने को प्रदान करता है। कैसे करता है? मैंने बता ही दिया आपको कि जल है उससे हाइड्रोजन आयन संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन की स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता अकेला, तो जल के अणु के साथ संयुक्त हो जाता है, और H3O+ आयन जिसे अपन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं वो बनाता है। देखते हैं अगला, क्षारक प्लस जल। अर्थात जब अपन जल में क्षार डालेंगे, जल में क्षार डालेंगे तो क्षार अपने को देते हैं OH- आयन, OH- आयन, और इसको कहते हैं अपन हाइड्रोक्साइड आयन। OH- को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो अर्थात जब अपन जल में अम्ल डालेंगे तो अम्ल तो अपने को H+ आयन देंगे, और जो क्षारक है ये अपने को देंगे OH- आयन, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए उदाहरण, NaOH क्षार है, जल में डाला तो
एन ए प्लस ओ एच माइनस, के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में डाला के प्लस ओ एच माइनस, एम जी ओ एच टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन ने जल में डाला एम जी टू प्लस, ये टू ओ एच माइनस आयन दे रहा, अर्थात ये सभी क्षार जल में ओ एच माइनस हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। तो अतः अपन कह सकते हैं क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन ओ एच माइनस आयन प्रदान करते हैं, अर्थात जब अपन जल को क्षार में डालेंगे तो ओ एच माइनस ये अपने को प्रदान करेंगे। और जो जल में घुलनशील क्षारक है उसको क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। एक अपने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल प्लस क्षारक, यदि अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं एच एक्स प्लस एम ओ एच, तो यहाँ एक्स और एम दोनों संयुक्त होकर लवण बना लेंगे, दोनों ओ एच और एच प्लस और ओ एच माइनस क्या बना लेंगे, जल। क्या बना लेंगे दोस्तों, जल। चलिए तो ये जब अपन जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी है दोस्तों। जब अपन जल में अम्ल व क्षार मिलाते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, अर्थात इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। अर्थात जब जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल या सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो प्रणाली बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी। तो अपने को मिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए कि भाई जो प्रणाली उसको धीरे धीरे हिलाते हुए अपन इसमें सांद्र अम्ल HNO3 या H2SO4 मिलाए, क्योंकि उसमें प्रणाली फूट भी सकती है और वो द्रव लिक्विड प्रणाली से उबलकर अपने हाथों में बाहर गिर सकता है, तो इसको सावधानी से मिलाना चाहिए। अर्थात जल व अम्ल, अर्थात जब जल में अम्ल अक्षर डालते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर निकलेगी। दोस्तों अब देखते हैं तनुकरण, इसका अर्थ होता है दोस्तों पतला। क्या होता है दोस्तों, पतला। अर्थात जब अपन जल में अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो जल में अम्ल व क्षार की मात्रा कम रह जाएगी, अर्थात उनका क्षेत्रफल प्रति इकाई आयतन में कम हो जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, तनुकरण। तो तनुकरण की हो जाएगी परिभाषा, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता अर्थात H3O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अर्थात यदि जैसे अपने पास में एक लीटर जल है, यदि इसमें कुछ मात्रा में अपन अम्ल क्षार मिलाएंगे तो अम्ल क्षार की मात्रा तो कम रहेगी और जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो इसे अपन कहेंगे तनुकरण। अर्थात जल में अम्ल क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, आयन कौन से दो है, एक तो अपना एच प्लस या जिसे अपन H3O प्लस कहते हैं, दूसरा है अपने OH माइनस, दोनों में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार किसे कहते हैं, सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार किसे कहते हैं, अर्थात वह विलयन जिसमें जल की मात्रा तो कम हो, लेकिन अम्ल व क्षार की मात्रा ज़्यादा हो, उसे अपन कहते हैं सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार। अर्थात वह विलयन जिसमें अम्ल व क्षार की मात्रा तो ज़्यादा हो, अम्ल व क्षार की मात्रा तो ज़्यादा हो और जल की मात्रा कम हो, तो उसे अपन कहेंगे सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार दोस्तों। दूसरा है तनु अम्ल या तनु क्षार, तनु क्षार होता है पतला, यहाँ जल की मात्रा ज़्यादा होगी और अम्ल व क्षार की मात्रा कम होगी। अर्थात ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो, और अम्ल व क्षार की मात्रा, कम हो, उसे अपन कहेंगे तनु अम्ल या तनु क्षार। अर्थात जब अम्ल की और क्षार की मात्रा कम है
लेकिन जल की मात्रा ज़्यादा है तो उसे कहेंगे तनोमल या तनुक्षार। दोस्तों दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन पीएच की ओर। पीएच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीएच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे टेंट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे टेंथ बोर्ड का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अपन जानेंगे पीएच कहते किसे हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम पीएच कहलाता है दोस्तों। और जब इसे अपन गणितीय रूप में लिखते हैं तो पीएच बराबर माइनस लॉग, लॉग को बोलते हैं लॉगरिथम, लॉग एच प्लस, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम मान पीएच कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक मान पीएच कहलाता है दोस्तों। अब देखते हैं पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल अर्थात जिससे अपन पीएच को मापते हैं, पीएच स्केल अर्थात जिससे अपन पीएच को मापते हैं, अर्थात जिससे अपन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते हैं, जिससे अपन क्या मापते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अर्थात पीएच स्केल की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अर्थात किसी विलयन में यदि अपने को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक स्केल का उपयोग करते हैं, उसे अपन पीएच स्केल कहते हैं दोस्तों। और ये जो पीएच स्केल होता है इसकी परास होती है 0 से 14, अर्थात पीएच का मान 0 से 14 होता है। देखते हैं एच प्लस व्युत्क्रमण्य प्रतिदीर्घक है इसने पीएच, अर्थात यदि एच प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है उल्टा, यदि ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा पीएच, यदि पीएच बढ़ रहा है तो एच प्लस की सांद्रता घटेगी। तो यहाँ अपने लिखा हुआ है एच प्लस की सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती 1/pH, अर्थात यदि एच प्लस आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच का मान कम होगा, और यदि पीएच का मान कम होगा तो विलयन उतना ही अम्लीय होगा, और यदि एच प्लस आयन की सांद्रता कम होती है तो पीएच का मान बढ़ेगा, यदि पीएच का मान बढ़ेगा तो वह विलयन उतना ही क्षारीय होगा। दोस्तों देखते हैं यदि कोई विलयन उदासीन है, यदि कोई विलयन उदासीन है तो उसकी पीएच होगी 7, यदि कोई विलयन उदासीन है तो उसकी पीएच कितनी होगी 7, यदि कोई विलयन अम्लीय है तो उसकी होगी 7 से कम अर्थात 0 से 7 के बीच, यदि कोई विलयन क्षारीय है तो उसकी पीएच होगी 7 से अधिक अर्थात 7 से 14, अर्थात यदि 0 से 7 है तो वह अम्लीय होगा विलयन, यदि 7 है तो वह उदासीन होगा, और 7 से 14 है तो वह क्षारीय होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं यदि एच प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो अपने को पता है क्या लिखा हुआ था, एच प्लस व्युत्क्रमानुपाती 1/pH, अर्थात एच प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, ये बढ़ेगा तो पीएच का मान कम होगा, यदि पीएच का मान कम होगा तो वह विलयन उतना ही अम्लीय होगा। दूसरा है एच प्लस आयन की सांद्रता में कमी, यदि एच प्लस आयन की सांद्रता में कमी आएगी तो पीएच का मान बढ़ेगा, पीएच का मान बढ़ेगा, यदि पीएच का मान बढ़ेगा तो वह विलयन उतना ही क्षारीय होगा। यदि आपसे पूछ ले यदि एच प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है तो वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय, यदि एच प्लस आयन की सांद्रता में कमी होती है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। अब देखते हैं अपन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी सही भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो सीधा क्वेश्चन आता है निम्न में से प्रबल क्षार है या निम्न में से दुर्बल क्षार है या निम्न में से प्रबल अम्ल है,
तो अपने को उदाहरण याद होने चाहिए, इनकी डेफिनेशन याद होने चाहिए, तब जाके अपने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, प्रबल अम्ल, प्रबल का तो क्या होता है, तेज, क्या होता है तेज, अर्थात अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यदि H प्लस आयन अधिक संख्या में होगी तो उसका pH उतना ही कम होगा, यदि उसका pH उतना ही कम होगा तो वह उतना ही अधिक प्रबल होगा। प्रबल अम्ल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, अर्थात यदि H प्लस की संख्या अधिक होगी तो अपने को पता है pH इसका उल्टा होगा, pH कम होगा, pH जितना कम होगा वह विलयन उतना ही प्रबल होगा, वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये तीनों ही प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। दूसरा दुर्बल अम्ल, इसकी परिभाषा बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, यहाँ कम आ जाएगा, केवल क्या आएगा, अधिक की जगह कम आ जाएगा, कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, अर्थात यदि H प्लस आयनों की संख्या कम उत्पन्न होगी तो pH थोड़ी ज़्यादा होगी, pH ज़्यादा होगी तो वह दुर्बल अम्ल होगा, अर्थात कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, नहीं सॉरी दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, सॉरी दोस्तों, कम संख्या में, यहाँ केवल कम आ जाएगा, कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण दोस्तों याद रखना है, CH3COOH एसिटिक अम्ल, दूसरा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही दुर्बल अम्ल है दोस्तों। अगला अपने है प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, अधिक संख्या में OH- उत्पन्न करने वाले आयन प्रबल क्षार कहलाते हैं, अर्थात जो अधिक संख्या में OH- उत्पन्न करेगा जो क्षारक, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक, अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, NaOH और KOH, NaOH KOH। दूसरा देखते हैं दुर्बल क्षारक, यहाँ उल्टा हो जाएगा, कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं, कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण देखो दोस्तों, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड CaOH टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। तो दोस्तों सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड का एग्जाम है तो ऐसे आएगा कि नहीं, दो दुर्बल क्षारकों के नाम लिखिए, या फिर अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो उसमें वो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में से दुर्बल क्षार कौन सा है, या निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये नोट्स मैंने खुद NCERT की बुक से हाथ से हैंड रिटन नोट्स है, तो आप वीडियो को पुश करके नोट्स उतार सकते हो। यदि आपको नोट्स की PDF चाहिए तो नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आइए, उस पर ज्वाइन होइए और आप उसमें आप सभी को नोट्स की PDF मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट विलयनों के pH मान, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, रक्त का pH कितना होता है, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, अम्ल pH से क्वेश्चन आता है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ विलयन है जिनके आपको pH के मान याद होने चाहिए। लार, खाने से पहले लार का pH 7.4 होता है, खाने से पहले लार के pH का मान कितना होता है, 7.4, और जो रक्त है, रक्त के pH का मान भी 7.4 ही होता है, तो दोस्तों खाने के बाद लार का pH मान कितना हो जाता है, 5.8।
तो खाने से पहले याद रखना है 7.4 और खाने के बाद 5.8 और रक्त का भी 7.4। नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2। गाजर का रस, गाजर के रस का पीएच मान होता है 5.88। गाजर के रस का पीएच का मान 5.88। ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी के पीएच का मान 5 होता है, ब्लैक कॉफी के पीएच का मान 5 होता है। सुमात्रा कॉफी, इसका पीएच 4.6। अगर देखते हैं टमाटर का रस, टमाटर के रस का पीएच दोस्तों 4.4 से 4.9 होता है। नल का रस नहीं है दोस्तों, सॉरी गलत टाइप हो गया मेरे से, नल का जल है यहाँ रस, सॉरी दोस्तों, नल का जल, नल के जल का पीएच मान होता है 6.5 से 8.5। यदि 7 से कम होता है तो उसे अपन अम्लीय जल कहते हैं। 1 MnaOH, एम का अर्थ क्या दोस्तों, मोलरता, एम का अर्थ यहाँ क्या है, मोलरता। 1 MnaOH, 1 MnaOH का जो पीएच मान है वो होता है 13 और 1 MHCl का जो मान होता है वो होता है 0। ये सबसे अधिक अम्लीय होता है 1 MHCl, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। जठर रस, जठर रस अपने आमाशय में बनता है दोस्तों, इसका पीएच मान होता है 1.2। जठर रस का पीएच का मान 1.2। शुद्ध जल, वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्ध जल, अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका एक और नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच माइनस पीएच मान होता है 10। NaOH विलयन, देखो दोस्तों वहाँ एक एम था और यहाँ क्या आ रहा है, विलयन आ रहा है। NaOH विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, इसका होता है 14। सबसे अधिक किसका होता है, NaOH का, और सबसे कम 1 MHCl का दोस्तों। और दोस्तों शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल है, उसके बादल सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से बना हुआ है। शुक्र का वायुमंडल H2SO4 के बादलों से बना हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत और उनमें पाया जाने वाला अम्ल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आता है, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। दोस्तों मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि मैं सीधे एग्जाम में आने वाले फैक्ट क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा दोस्तों, और NCERT से ही पढ़ाऊँगा दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं दोस्तों। सिरका, सिरके में होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। दूसरा संतरा या नींबू, संतरे में भी वही होता है और नींबू में भी वही होता है, कौन सा, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इमली या अंगूर, इमली और अंगूर दोनों में ही होता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। पालक या टमाटर, टमाटर या पालक दोनों में ही होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। दही या खट्टा दूध, दही या खट्टा दूध, इसमें होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चींटी का डंग, जो अपनी लाल चींटी होती है उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल, या इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। नेटल का डंक, नेटल क्या दोस्तों, एक पादप है, नेटल एक पादप है जो डंक मारता है दोस्तों, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें भी होता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। सेब, सेब में होता है मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। उदर, उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पपीता, पपीते में होता है दोस्तों अमीनो अम्ल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट NCERT से प्राकृतिक स्रोत थे जिनमें इन प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 अंक का क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 अंक का क्वेश्चन बनता है। यदि कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो वहाँ से भी इनमें क्वेश्चन बनते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। तो आजकल कोई सा भी एग्जाम होता है उनमें दैनिक जीवन में रसायन का टॉपिक उनके सिलेबस में ऐड होता है, तो इसलिए अपन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है टॉपिक। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन 8th, 9th, 10th की जो तीनों ही NCERT की बुक है उनमें से ही बनते हैं,
रीट हो, पटवारी हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, और मैं उन सभी को पूरा करवाऊंगा आपसे। लेकिन पहले टेंथ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो टेंथ का डालेंगे। और आपके जो टॉपिक लगते हैं, जो कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, तो वो टेंथ के टॉपिक आप मेरे इस चैनल से पढ़ सकते हो, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में लगते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो हाँ, क्योंकि हमारा शरीर दोस्तों 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में ही कार्य करता है। अर्थात अपना जो शरीर है उसको पीएच कितनी चाहिए? 7.0 से 7.8। लेकिन जब वर्षा का जल होता है उसकी पीएच का मान कभी कभी 5.6 से कम हो जाता है। और जब 5.6 से कम हो जाता है अर्थात वह अम्लीय हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। और जब ये अम्लीय जल, अम्लीय वर्षा का जल नदी नालों में प्रवाहित होता है, तो जो नदी का जल है, तालाब का जल है, वह उसकी भी जो पीएच मान है वो कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी तो जो उसको जो पानी तालाब से जो पानी पिएंगे और जो तालाब में रहने वाले जो जीव है उनका जीवन यापन करना कठिन हो जाएगा और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? उद्योगों से निकलने वाले दो गैसें हैं, SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। ये दोनों अम्लीय वर्षा के कारण हैं। तो देखते हैं आंसर। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो हाँ, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। केवल इसी परास में जीवन संभव है। अर्थात इसी परास में जीवन संभव है। जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाता है। फलस्वरूप नदी के जीवधारियों का जीवन यापन कठिन हो जाता है। अर्थात उनकी मृत्यु भी हो सकती है और उनका जीवन यापन कठिन हो जाता है। और जो नदी के जल को पियेंगे जो जीव, उनका भी जीवन यापन कठिन होने की संभावना रहती है। तो अर्थात पौधे एवं पशु भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन पर भी पीएच का प्रभाव पड़ता है। पीएच का अर्थ क्या है दोस्तों? पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। बगीचे या खेत में पीएच का महत्व। अपने बगीचे या खेत में पीएच का क्या महत्व? बहुत महत्व है, क्योंकि जो अपने पौधे हैं वो 6.2 से 7.0 पीएच तक ही वृद्धि करते हैं। 6.2 से 7.0 पीएच के बीच में ही वो वृद्धि करते हैं। लेकिन जब या तो 6.2 से यदि मान कम हो जाता है पीएच का, तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, और मिट्टी अम्लीय हो जाएगी तो उसमें उतना उपजाऊपन नहीं रहेगा। तो उसको वापस बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए अम्लीय जो मिट्टी है उसमें बड़ मिलाते हैं चूना। क्या मिलाते हैं दोस्तों? चूना। चूना कोई सा भी हो सकता है, बिना बुझा हुआ चूना हो सकता है, बुझा हुआ चूना हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो सकता है। तीनों में से कोई सा भी चूना अपन ले सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, अपना वापस अम्लीय जो मिट्टी थी वो संतुलित हो जाएगी, वापस उपजाऊपन उसमें आ जाएगा। यदि ये पीएच 7 से ज़्यादा हो जाती है, 7 से ज़्यादा, अर्थात मिट्टी क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षारीय है। तो उसको संतुलित करने के लिए अपन मिलाएंगे सल्फर। क्या मिलाएंगे दोस्तों? सल्फर मिलाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि आपके बगीचे की मिट्टी की पीएच 6.2 से कम हो गई है या मिट्टी अम्लीय हो गई है, तो इससे इसके उपाय के लिए आप क्या करेंगे? तो हम क्या मिलाएंगे? चूना। यदि 7 से अधिक हो गई, क्षारीय हो गई मिट्टी, तो क्या मिलाएंगे? सल्फर। दोस्तों बगीचे या खेत में पीएच का महत्व। संभवतः पौधों की परास 6.2 से 7.0 पीएच होती है। इससे पीएच का मान कम होने पर मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है। उपाय क्या है इसका? जो अम्लीय मिट्टी है उसको संतुलित करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाता है, CaO, बिना बुझा हुआ चूना, CaOH2 बुझा हुआ चूना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यदि मिट्टी की परास सबसे इससे अधिक हो जाती है, मतलब 7 से अधिक हो जाती है, तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है, इसे अपन क्षारीय मिट्टी कहते हैं, जिसको संतुलित करने के लिए मिट्टी में सल्फर मिलाया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ NCERT बुक से पढ़ने के लिए, फैक्ट पढ़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।